यहाँ को देखिए यहाँ को सब जगह निशान होगा। उससे कॉफी मत डालिए सर। देखिए ऐसा है कि पौधारोपण का जो का कार्यक्रम है ये तो चलता रहता है। अभी नागरिक पचानी अपने शहर के हृदय के पास स्थित है और हम लोग यहाँ बचपन से इस जगह को देखे हैं, किस तरह से हम लोग बड़े हैं यहाँ, यही इसी जगह पर हम लोग अपना जो बचपन में नाटक या जो भी स्कूल का फंक्शन होता था हम लोग करते थे। लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पे कुछ अव्यवस्था है, लेकिन हम लोगों का ऐसा है कि प्रयास कि हम लोग कम से कम इसको आगे का जो फ्लो है पेड़ पौधा है उसको हम लोग मेंटेन रखें अपने विद्यालय गिफ्ट अकेडमी के माध्यम से। हम लोग अपने विद्यालय के बच्चों के साथ भैया है मानो भैया हम लोग साथ में आए हैं कि इसका बस थोड़ा सा हल्का फुल्का हम लोग मेंटेन कर सकें, जिससे कि जो लोग आते हैं वो देखे तो कहें कि हाँ कुछ व्यवस्थित है। और मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं या रंगकर्मी जो भी हैं वो लोग भी इसमें खुलकर आगे आए, तभी इस जगह का विकास हो सकता है। आज के इस प्रोग्राम के कुछ खास कारण हैं? देखिए आज हाँ कुछ खास तो है, तभी हम लोग विद्यालय की परंपरा रही है गिफ्ट अकेडमी की। किसी भी महापुरुष या अपने विद्यालय के या कोई भी अगर परिचित जो होते हैं उनके जन्मदिन पर हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, मनाते हैं। तो आज हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पे उस अवसर को यहाँ नागरिक पछाड़ी सभागार में लगाने का प्रयास किए हैं। जहाँ जन्मदिन आता है तो लोग केक काटते हैं, घूमने जाते हैं और भी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, और आप हर एक आदमी या हर एक महापुरुष के जन्मदिन पे दिवस पे इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, तो सीधा सीधा आप देखने वाले दर्शक को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए हमारा और अपने विद्यालय की तरफ से यही संदेश होगा कि देखिए हम लोग केक तो काटते हैं ठीक है, और भी कुछ पार्टी वार्टी अभी बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, पार्टी करते हैं, होटल में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है वो इंजॉयमेंट भी जरूरी है अपने हिसाब से समय के हिसाब से, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ अगर एक पौधा या अपने आसपास पौधे लगाते हैं वो इंजॉयमेंट हम लोग के सालों के लिए बना रहता है और इन्वायरमेंट को अपने वातावरण को बहुत कुछ हमारे ये पौधे देते हैं हमें। इस वजह से हम चाहते हैं कि हम क्या सभी लोगों को चाहना चाहिए कि अपने जन्मदिवस पे पौधे कम से कम एक तो जरूर लगाएं। मतलब किसी के भी जन्मदिवस पे विरासत आप उनसे कितना सम्मत हैं और क्या मानते हैं? देखिए हम इनके बातों से पूरी तरह सहमत हैं। ये आज शुभ दिन पर तो ये कर ही रहे, लेकिन बाकी दिनों में भी इनका हम आजकल देख रहे हैं कि जो भी इस तरह के नुक्कड़ चौराहा पर इस तरह का स्थल मिल रहा है तो ये उसको सजाने और संवारने का काम इन्होंने कुछ दिन पहले से शुरू किया है। हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता रंगकर्मी मैं अशोक मानव हमारे जैसे व्यक्तियों को इन्होंने जोड़ने का काम किया और हमसे भी जो बन पड़ता है उनको सहयोग देते हैं, इसलिए ये साधुवाद के पात्र हैं और गिफ्ट एकेडमी को हम शुभकामना देते हैं कि इस तरह के कार्य वो और आगे के दिनों में करते रहें। वैसे तो इन प्रशंसा करते हुए और लोगों को भी हम जोड़ने का आह्वान करेंगे और हम चाहेंगे कि इस तरह का वो भी कार्यक्रम लें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम ही हमारे समाज को विकास दे सकता है, शुद्ध वातावरण दे सकता है,
इसलिए मैं चाहूँगा कि गिफ्ट एकेडमी के तर्ज पर और लोग, और भी स्कूल, और भी संस्थाएं इस ऐसे कार्यों में लगे। तो आने वाली पीढ़ियों को ये क्या मैसेज छोड़ रहे हैं या आप क्या मैसेज छोड़ रहे हैं? ये दूषित वातावरण जो है इसको शुद्ध करने का आने वाले हमारे पीढ़ी का इससे बढ़िया और इससे सुलभ और आसान कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी को उनसे भी आह्वान करूँगा कि वो आए और इस तरह के काम